गीता फोगट और बबीता फोगट ये नाम हमने पहले कहीं नहीं सुने थे, बट आमिर खान की मूवी दंगल देखने के बाद ये नाम सभी दिलो दिमाग में बस गए हैं। आमिर खान की मूवी दंगल में कैसे महावीर सिंह फोगट दोनों बेटियों को ट्रेन करते हैं और फिर वो इंडिया के लिए गोल्ड जीत लाती हैं, उसकी एक कहानी है। गीता फोगट और बबीता फोगट इंडियन रेसलर है और बहुत सारे खिताब जीतकर इंडिया का नाम रोशन कर चुकी हैं। महावीर सिंह फोगट की सबसे बड़ी बेटी गीता फोगट ने 20 नवंबर 2016 में उनके फेलो रेसलर पवन कुमार से शादी की है, यानी 20 नवंबर को उनकी फोर्थ वेडिंग एनिवर्सरी थी। वहां गीता फोगट की छोटी बहन बबीता फोगट का 20 नवंबर को 31वां जन्मदिन था। ये दोनों ही सेलिब्रेशन फैमिली ने साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हुए अपने सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। गीता फोगट ने अपने हस्बैंड और रेसलर पवन कुमार के साथ की ये केक वाली तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा था, काश कुछ रातें कभी खत्म नहीं होती, जीवन ऐसे ही छोटे छोटे क्षणों से बनता है। साथ में गीता फोगट ने भी बबीता के साथ की बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ फैमिली पिक्चर भी उनके सोशल मीडिया पे शेयर की थी। गीता फोगट ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे पवन कुमार के साथ की कुछ फोटो शेयर करते हुए प्यारा सा कैप्शन लिखा, वो लिखती है, शादी की फोर्थ सालगिरह की बहुत बहुत बधाई जाने मन, तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के बारे में जितना लिखूं उतने मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ जो तुम मुझे जीवन साथी के रूप में मिले। मेरी जिंदगी का तुम सबसे अनमोल तोहफा हो जिसे मैं ढेर सारे प्यार और देखभाल से जिंदगी भर संभाल कर रखना चाहती हूँ। यूँ तो हर किसी के जिंदगी में सुख दुख आते हैं, पर जिस तरह तुम हर परिस्थिति में मुझे संभाल कर आगे बढ़ने का हौसला देते हो, वही तो प्यार है और वही जीवन है। तुम्हारी तारीफ में हर शब्द फीका पड़ जाएगा। एक अच्छे इंसान और इंसानियत की परिभाषा तुम पर बहुत अच्छे से जमती है। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि इसी तरह उनका आशीर्वाद हम पर बनाए रखे। बस जीवन की यही एक तमन्ना है कि बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ यूं ही हंसते हंसते बीत जाए। तुम हो तो ये सारा जहां है, नहीं तुम बिन मेरा यहाँ कुछ नहीं है। अगर आप ऑनलाइन खरीदी करते हो तो हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को क्लिक करके जरूर शॉपिंग कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।